हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के मंथली चेक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, किन किन चीज़ों का महीने में एक बार चेक करना चाहिए। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इससे आप लोगों को कंप्रेसर असेंबली अलाइनमेंट के बारे में बहुत अच्छा पता चलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को महीने में एक बार चेक किया जाता है, हर एक पंप को। तो इस पर पहला चेक क्या करना है, सबसे पहले ये जो गार्ड दिख रहे कपलिंग गार्ड, इसको आप लोगों को खोल लेना है। यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगा हुआ देखिए, इसको खोल के हटा लीजिए। खोल के हटाने के बाद इसके अंदर में आप लोगों को कपलिंग दिख रहा है। जब ये गार्ड हट जाएगा तो अंदर में आपको ये देखिए जॉ कपलिंग, लवजो कपलिंग दिख रहा है। साथ ही बीच में स्पाइडर लगा हुआ दिख रहा है। इस तरह से अगर स्पाइडर में गेप दिखे आप लोगों को तो उस स्पाइडर को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वो स्पाइडर डैमेज हो जाएगा। साथ ही अलाइनमेंट चेक करना है, कपलिंग का अलाइनमेंट सही है या नहीं। अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो अलाइनमेंट करना है। और इस तरह से अगर स्पाइडर में गैप दिखे तो उस स्पाइडर को तुरंत रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि स्पाइडर डैमेज हो जाएगा। साथ ही स्पाइडर टूटने के बाद कपलिंग को भी वो डैमेज करना स्टार्ट होगा। अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, मोटर का जो बेस बोल्ड है उसको टाइट करना है। सबसे पहले अलाइनमेंट चेक कर लीजिए, सही है तो जो मोटर का फाउंडेशन बोल्ड है उसका एक बार टाइटनेस चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर वो लूज़ वगैरह होगा तो वो टाइट हो जाएगा। पंप में आते हैं, पंप में क्या क्या चीज़ चेक करना है। पंप में आप लोगों को लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल चेक करना है। इस तरह से लुब्रिकेशन ऑयल को देखने के लिए ग्लास वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उसका जो एक्यूरेट लेवल है ऑयल का वो होना चाहिए, वो ग्लास पे मार्किंग किया हुआ रहता है। साथ ही अगर ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील लगा हुआ है तो दोनों को चेक करना है। अगर ग्लैंड वाला है तो ग्लैंड को चेक करना है, अगर मैकेनिकल सील वाला पंप है तो मैकेनिकल सील को चेक करना है कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। साथ ही ब्रीदर को चेक करना है। ये जो देख रहे हैं ये ब्रीदर है, ये ब्रीदर का काम क्या है, जो अंदर में ऑयल का वेपर क्रिएट होता है, ऑयल का जो गैस क्रिएट होता है उसको ये बाहर की ओर करता है। तो इसका जितने होल वगैरह देख रहे हैं ब्रीदर का, वो क्लीन होना चाहिए। ये इस तरह से जाम नहीं होना चाहिए, इसको अभी हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करके इसको हम लोग दोबारा फिट करेंगे। अगर ये जाम रहेगा तो अंदर में क्या होगा, वेपर क्रिएट होगा, गर्मी का वजह से वेपर क्रिएट होगा और लुब्रिकेशन ऑयल ख़राब हो जाएगा, साथ ही बेयरिंग भी डैमेज हो सकता है। तो ब्रीदर को महीने में एक बार ज़रूर क्लीन कीजिए एयर प्रेशर डालकर। इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन ऑयल का जो क्वालिटी है वो सही रहेगा और वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। पंप का भी बेस बोल्ट को टाइट कर लेना है आप लोगों को। उस पर भी जितने बेस बोल्ट लगे हुए हैं उसका एक बार लूज अगर होगा तो उसका टाइटनेस चेक कर लीजिए। बॉडी का टाइटनेस चेक कीजिए, बॉडी का बोल्ट वगैरह हो सकता है वाइब्रेशन से लूज हो गया हो, नहीं भी हुआ है तो एक बार आप लोगों को उसका टाइटनेस वगैरह अच्छी तरह से चेक करना है। महीने में एक बार ये सारा जो काम है वो करना है आप लोगों को, जो जो पॉइंट मैंने बताया। इससे क्या होगा, पंप का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पाइडर चेक करना है, गार्ड को हटाकर स्पाइडर को अच्छी तरह चेक कीजिए। अलाइनमेंट चेक करना है, अगर स्पाइडर में प्रॉब्लम है तो तुरंत रिप्लेस कीजिए, अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो अलाइनमेंट कर देना है। अगर अलाइनमेंट और स्पाइडर सब कुछ ठीक है तो मोटर का बेस बोल्ट को एक बार क्रॉस में चेक कर लीजिए, टाइटनेस सही है कि नहीं। पंप का लेवल चेक कर लीजिए, लेवल वगैरह सब सही होना चाहिए, उसका लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। ब्रीदर को चेक कर लेना है, ईयर ब्रीदर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कहीं से अगर लीकेज वगैरह है तो लीकेज को एक बार चेक कर लीजिए, लीकेज कहीं से नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल सील से या बॉडी से, ये मैकेनिकल सील से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ग्लैंड होगा तो ग्लैंड से ड्रॉपिंग वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बॉडी का बोल्ट को सारा टाइट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, पंप का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। फाउंडेशन बोल्ट को भी टाइटनेस कर लीजिएगा। ये सारा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए और महीने में एक बार इस पॉइंट्स का सारा चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।